सावन का पावन महीना 4 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस बार सावन का रंग 2 महीने दिखेगा। कांवरियों का जत्था भी सुल्तानगंज अभी से ही पहुंचने लगा है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। वही बात रेलवे प्रशासन की करें तो रेलवे प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। सुरक्षा का भी ध्यान बहुत ज्यादा रखा गया है, तो वहीं अब रेलवे प्रशासन ने एक और फैसला लिया है, जिसमें अब भागलपुर और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर पूरे सावन के पावन महीने में यात्रियों को सात्विक भोजन परोसा जाएगा। यहां तक कि 2 महीने तक यहां पर लहसुन प्याज भी वर्जित रहेगा। दरअसल भागलपुर स्टेशन पर पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल से लाखों की संख्या में कांवरिया पहुंचते हैं, जिसको लेकर IRCTC ने यहां यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा पर नॉनवेज भोजन पर रोक लगा दी है। शाकाहारी भोजन की मेन्यू 4 जुलाई से लागू होकर 31 अगस्त तक जारी रहेगा। तो वहीं मौजूद जो कि फूड प्लाजा के मैनेजर हैं पंकज कुमार, उनके सुनिए कि वो क्या कुछ बता रहे हैं। सावन को देखते हुए सर, 2 महीने का सावन चल रहा है, इसमें बिना लहसुन प्याज के खाना व्यवस्था की जाएगी यात्रियों को। बिना मतलब मीट मछली ऐसा कुछ नहीं जाएगा, बिना लहसुन प्याज खाना व्यवस्था दिया जाएगा। इसमें हमारे पास फल की व्यवस्था रहेगी, जिसमें केला सेब ये व्यवस्था की जाएगी। मौसमी फल मौसमी को देखेंगे, मार्केट के हिसाब से देखकर मौसमी फल मार्केट के हिसाब से देख के रखा जाएगा, सारा कुछ व्यवस्था की जाएगी। एक जो शाकाहारी भोजन के जो प्लेट है, क्या रेट है इसका? हमारे पास शाकाहारी भोजन की जो प्लेट है उसकी कीमत 110 रुपया है, जिसमें आइटम है 2 रोटी है, चावल है, दाल है, एक पनीर की सब्जी है, एक मिक्स वेज जो सीजनेबल वेज है वो, और प्लस रायता। यानी सावन के महीने को लेकर भी आप कुछ खास व्यवस्था कर रहे हैं? जी सर बिल्कुल, पूरी तरह से जो मीट मछली है वो पूरा बंद, प्रॉपर बंद कर दिया जाएगा, ओनली शुद्ध शाकाहारी खाना रहेगा सर। क्या कुछ रेलवे द्वारा गाइडलाइन भी आने वाली है? सर गाइडलाइन हमारा IRCTC के द्वारा आ चुका है, उसका हम लोग पालन करेंगे सर। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार कर। आप यहाँ पे IRCTC फूड प्लाजा के मैनेजर? तो आपने फूड प्लाजा के मैनेजर पंकज कुमार को सुना, जिन्होंने सारी बातें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से IRCTC ने ये आदेश जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि भागलपुर रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा के मैनेजर पंकज कुमार ने आगे बताया है कि हम लोग पूरे सावन यात्रियों को शाकाहारी भोजन ही परोसेंगे, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए फलहार का भी इंतजाम फूड प्लाजा पर ही किया जाएगा। आपको बता दें कि यात्रियों के लिए ऑनलाइन भोजन मंगवाने की व्यवस्था भी की गई है। भोजन बनाने के दौरान शुद्धता का भी खास ख्याल रखा जाएगा, जिससे यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।